दरवाजा तो हमने बंद किया था, खुल कैसे गया? करण, करण, आपने आपने दरवाजा खोला था क्या? करण बोली ना। हाँ, पता नहीं। काफी सिमिलैरिटीज है जैसे फोन पे देर रात तक आप क्या कर रहे हैं, आपने खाना खाया कि नहीं, कल आपको क्या काम है, आप ऑफिस कितने बजे जा कर रहे हैं? और भी बातें होती है ना, ब्रेकफास्ट में क्या किया, लंच में क्या करते हो, शाम के नाश्ते में क्या बनाते हो? विमल भैया, भैया आपने तो अच्छी खासी अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कन्वर्ट कर दिया। ये तो सही कहा आपने, अगर कोई भी किसी को सच्चे दिल से शिद्दत से चाहे तो उसे मिल ही जाता। जैसे कि भैया आप और हमें आप लेकिन यार एक प्रॉब्लम हो गई है। शादी इतनी जल्दी जल्दी हो रही है ना पापा? हाँ बेटा, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, ऐसे में एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, शादी जल्दी जल्दी हो रही है तो फिर इन दोनों को एक दूसरे को जानने का वक्त ही नहीं मिला। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम हम लोग दे सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास आइडिया। क्या क्या है? देखिए मौसम अच्छा है, हमारे पास अपना फार्म हाउस है, तो हम सब एक पिकनिक पे चल सकते हैं। बहुत टाइम। हाँ हाँ, आप नहीं। That's a damn good idea, sir. तो दोनों फैमिलीज मिलके जाएंगे? नहीं नहीं, पहले तो हमें दुबे जी की फैमिली से पूछना पड़ेगा ना, शादी से पहले आप फोन करके पूछ लीजिए ना। हाँ मैं बात कर लूंगा उनसे। परवीर भैया, विमल भैया एक प्रॉब्लम है। क्या? सीरियस प्रॉब्लम है थोड़ी शादी को लेके। पापा हमने हमने पंडित जी को फोन किया था शादी के मुहूर्त को लेके,
उन्होंने कहा 9 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। अब क्या करेंगे? पर एक चीज कर सकते हैं। ऐसा पंडित जी ने कहा कि अगर आप 1 हफ्ते तक मौन व्रत धारण कर ले तो कुछ। हाँ हाँ, मैं 1 हफ्ते तक बात नहीं करूंगा, मौन व्रत धारण कर लूंगा। लेकिन पिकनिक पे भी तो जाना है। हाँ, फिर पिकनिक 1 हफ्ता पोस्टपोन करनी पड़ेगी ना। 1 हफ्ता पोस्टपोन करना पड़ेगा। अच्छा जी, बहुत हो गया मजाक। ठाकुर साहब की फैमिली को भी न्योता देना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं फोन करता हूँ। ठीक ठीक। दीपक ने प्रॉमिस किया है कि वो मेरा फोटो शूट करेगा। और मेरा फोटो शूट? तुम्हें पता है कनिका, मैं अपना नाम बदलने वाली हूँ। मैंने सोच भी रखा है नाम। क्या? अरे वो बड़ी बड़ी मॉडल्स अपना नाम बदलती है ना, जैसे उसने। ओहो मामी जी, देख लेंगे, बदल लेंगे नाम, चलिए अभी। क्या है, डरा क्यों रही हो भाई? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जा कहाँ रही हो। वो मैं यहाँ तो उठने बैठने पर भी पाबंदी है, और बाहर जाने पर भी। मामा जी, आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि बाहर जाते समय टोका नहीं करते। हाँ, और नहीं तो क्या? हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, वीर भैया की शादी के लिए। लौटते समय शाम हो जाएगी, चलिए। तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अच्छा हुआ ना मैंने पूछ लिया, तुम लोगों का ही फायदा होगा। 2 मिनट रुक जाओ, प्रकाश भी जा रहा है, वो तुम्हें दुकान पर छोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। अरे वाह पंडित जी, पहली बार टोक के अच्छा काम किया आपने, मेरे 23.5 रुपए बच जाएंगे। अभी यही बचा था, एक फ्यूचर सुपर मॉडल ऑटो चलाने वाले पति के रिक्शा में बैठ के जाएगी अपने फोटोशूट पर। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं मामा जी। आप क्यों खामखा प्रकाश का टाइम वेस्ट करवा रहे हैं हमें छोड़ने के चक्कर में? उसका भाड़ा बेकार हो जाएगा, और फिर हमारा भी फिक्स नहीं है कि हम कहाँ से शॉपिंग करेंगे। क्यों मामी जी? हाँ, और नहीं तो क्या, रहने दीजिए ना प्रकाश को, देर हो रही है हमें। चलो चलो चलो। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई नई खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में, कोई नई गड़बड़ ना खड़ी करते, पता करना पड़ेगा। पहले मैं ठाकुर साहब को करण के फोन के बारे में बता दूं। ठाकुर साहब, करण का फोन आया था, सबको पिकनिक चलने के लिए कह रहा था वो, ना तो शहर में है नहीं, आप चलेंगे ठाकुर साहब? स्वर्ण भवन से सभी लोग जा रहे हैं जी, हम नहीं जाएंगे राघव, हम सोचते हैं कि यहीं रहकर थोड़ा आराम कर लें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा ठाकुर साहब। जब पिकनिक पर होंगे तो हम स्वर्ण भवन जाएंगे और फिर से उस तहखाने को ढूंढेंगे। कल हम जिस हिस्से में थे, तहखाना जरूर वहीं कहीं होगा। इस किताब में प्रलय वाली बात और उस तहखाने का राज हमें उस तहखाने का राज ढूंढना ही है। वक्त रहते वो राज हमें ढूंढना ही है।
अरे मैडम भुट्टा ले लो ना, देखो बारिश का मौसम है मैडम। नहीं चाहिए। ले लो ना मैडम प्लीज। नहीं चाहिए, आपसे कहा नहीं चाहिए। बहुत मिस कर रहे हैं ना आप भाभी को? नहीं नहीं आबा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस... आप झूठ बोल सकते हैं, आपके आंसू नहीं। भैया साफ नजर आ रहा है आप भाभी को कितना याद करते हैं। जिंदगी के इतने साल एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद पति पत्नी का एक दूसरे से दूर रहना क्या होता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं, पर भैया जहां प्यार होता है ना वहां एक दूसरे की बड़ी सी बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं। भाभी को माफ कर दीजिए। बाबा अगर अगर शैली ने मेरे साथ कुछ गलत किया होता ना तो मैं उसे कब का माफ कर चुका होता, पर जो उसने तुम्हारे साथ किया है वो... अगर ऐसी बात है तो अगर हम भाभी को माफ कर देंगे तो आप भी... क्या बात कर रही हो तुम आपा? अरे ऐसे कैसे, तुम क्या क्या नहीं किया शैली ने तुम्हारे साथ, उसकी वजह से तुम करण से दूर रही, तुम्हारे बच्चे से दूर रही। तो भैया क्या हम भी उसका बदला उन्हें अपने पति और उनके बच्चे से दूर रख के ले? नहीं भैया ऐसा नहीं होता, किसी को सजा देना हमारा काम नहीं, वो ईश्वर के हाथ में है, और शायद ईश्वर भाभी को सजा दे चुकी है। भैया इंसान बुरे नहीं होते,
उनकी सोच पूरी होती है जो उनसे पाप करवाती है। पर जब अंदर का पाप मर जाता है तब इंसान का दिल साफ हो जाता है, और हमें लगता है शैली भाभी का दिल साफ हो चुका है। हम सच कह रहे हैं, हमको विश्वास नहीं ना, हम शैली भाभी से मिले थे। दो दिन नहीं हुए तुम्हें नौकरी पर आए हुए, और ये नखरे बिहेव तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे पहले किसी हवेली की मालकिन रही हो। नहीं अबा, इस घर के लोग, ये घर शैली को कभी माफ नहीं कर सकता। भैया, उन सबको मनाने की जिम्मेदारी हमारी, बस आप एक बार कह दीजिए कि आप शैली भाभी को माफ कर देंगे। हम सबके कसूरवार को ना सही, अपनी पत्नी को ना सही, अस्मी की माँ को तो माफ कर दीजिए। वीर भैया, ये टी शर्ट पहनेंगे, ये पहनेंगे या ये, बताइए ना क्या हुआ? अब समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं, उसे पसंद भी तो आना चाहिए ना, उसे इम्प्रेस करना है। आप भी ना वीर भैया, जहाँ तक हम प्रियंका को जानते हैं, उसे बाहरी रूप का कोई मोल नहीं, उसने आपके व्यक्तित्व को देखकर आपको पसंद किया है। और अच्छे लोग कुछ भी पहने अच्छे ही लगते हैं। आप ये पहनेगा, और एक जरूरी चीज, चेहरे की स्माइल। हंसी किसी भी चेहरे को खूबसूरत बना देती है, हंसिए। अच्छा, आप जल्दी जाइए, विमल भैया को पैकिंग के लिए हेल्प करिए, हम आपकी पैकिंग कर लेते हैं। जाइए जाइए। Mama gaba 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 gaba